टुडे वी विल डिस्कस क्लास 8 टॉपिक पावर्स। देखिए स्टूडेंट्स, पावर्स क्या होता है, किसी भी नंबर को 9 टाइम्स अगर रिपीट करके मल्टीपल में लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, पावर के फॉर्म में ऐड करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग पावर कहते हैं। जैसा कोई हमने क्या किया, नंबर ए को लिखा a into a into a, कितने टाइम्स लिखा, 1 2 3 4 5। अब इसके पावर कुछ नहीं होता है, इसके पावर 1 मान लेते हैं, 1 1 1 1 2 3 4 5। ए की पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, ये बेस में हमारा इसका क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका बेस हुआ ए, बेस हुआ ए और पावर क्या हुई, 5। ठीक है, बेस ए हुआ और पावर 5 हुआ। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक, अब देखिए पावर्स के बहुत सारे रूल्स होते हैं हमारे। ये पावर तभी ऐड होता है जब हमारे इन सब के क्या होंगे, बेस सेम हो। सपोज हमने क्या लिखा, a into a into a into b into b, ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पर जो सेम वेरिएबल है a into a into a, कितनी है, 3 बार है, मतलब पावर 1 2 3, और b की पावर 1 2। तो आप कभी ये मत लिखिएगा कि ab के होल पावर 1 2 3 4 5, ये ए बी के होल पावर 5 नहीं होगा, लिखना ही गलत है। ठीक है, इसको कैसे राइट करेंगे, ए के पावर हमारा कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखेंगे, जो सही मेथड है लिखने का, तो 1 2 3 पावर हो गया और बी के पावर कितनी हो गई, 2। और इन दोनों के बीच का जो साइन होता है, मल्टीपल का साइन, मल्टीपल मतलब होता है प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के वेरिएबल, सॉरी हमारे वेरिएबल सेम नहीं है प्रोडक्शन, और ये तभी पावर ऐड तभी होती है जब ये दोनों, ये नंबर्स हमारे किस में होते हैं, ये वेरिएबल्स किस में होते हैं, मल्टीपल में होते हैं। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग। अब इसके रूल्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टी जिसे कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक, पहला नंबर क्या है, इफ बेस आर सेम देन पावर बी डिफरेंट, देन पावर शुड बी एडेड। सपोज नंबर ए के पावर एन इंटू ए के पावर एन, दोनों के बेस सेम है। ठीक है, तो पावर को क्या कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, इक्वल टू ए के होल पावर एन प्लस एन। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन। ठीक है, और एन इज ग्रेटर देन एन, एम की वैल्यू एन से क्या है, बड़ी है, तो इसकी पावर इसमें डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, अब देखिए ए के पावर एम डिवाइडेड बाई ए के पावर एन, और एन इज ग्रेटर देन एन, एन की वैल्यू एन से क्या है, बड़ी है, 1/a^n-m, ये दूसरा हमारा रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल से हमारा थर्ड नंबर क्या बोला, इफ द एनी वेरिएबल्स पावर आर नेगेटिव, किसी वेरिएबल के पावर नेगेटिव फॉर्म में है। सपोज मैंने लिखा a माइनस m, a के पावर माइनस m, इसको पॉजिटिव बनाना है तो इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, और रेसिप्रोकल करने के लिए यहां पर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/a^n। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट रूल हुआ। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इफ वी हैव पुट द डिफरेंट वेरिएबल पावर आर सेम, वेरिएबल हमारे डिफरेंट हो बट पावर सेम, तो हम इसको दोनों को प्रोडक्ट करके क्या ले सकते हैं, ए बी के होल पावर ऑफ एन, और इसी को दूसरे पार में ऐसे ले सकते हैं, ए अपान बी का होल पावर एन है, ओपन करके ए के पावर एन अपान बी के पावर एन, ये हमारा डिविजन में है और ये हमारा प्रोडक्ट पार है। ठीक है, या इस पार में लिखा हुआ है ए के पावर एन अपान बी के पावर एन, इसको डायरेक्ट ले सकते हैं ए अपान बी के होल पावर। ठीक है, ये रूल्स नंबर हमारा कौन सा हो गया, 4 हो गया। देखिए नेक्स्ट वन, रूल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। रूल नंबर 5 में स्टूडेंट्स हम लोग कहेंगे, जब भी किसी नंबर के पावर का पावर लगाओ, ए अपान बी के होल पावर पावर एन के होल पावर एम, ए अपान बी लिखा हुआ है नंबर्स पावर एन, एन होल पावर एम,
तो पावर का पावर में क्या करा दिया जाता है, मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो ए अपान बी होल पावर एम एन, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पावर का पावर के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इस लोग इसी से रिलेटेड बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वन मोर प्रॉपर्टी देख लीजिए, जो बेसिक हमारा है सबका रूल, किसी भी नंबर के पावर जीरो से होता है उसकी वैल्यू हमेशा क्या देती है, वन के साथ। एनी नंबर कोई भी नंबर, फाइव के पावर जीरो कर ले उसकी भी वैल्यू वन दे देगा, ठीक है। जेड के पावर जीरो वैल्यू कर दे वन भी दे देगा, हंड्रेड की पावर जीरो वैल्यू कर दे उसकी भी वैल्यू वन दे देगा, ठीक है। इट मींस इफ एनी वेरिएबल्स और नंबर्स पावर आर जीरो देन द वैल्यूज ऑफ दैट नंबर इज वन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट we have solved to the problems related to the powers, ठीक है। हम लोग पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रॉब्लम क्या है, एक्सरसाइज का आपका, राइट द बेस एंड द एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। सपोज पहला दिया हुआ है 1 का फर्स्ट नंबर 5 के होल पावर 3, we have given the base and the powers of this number, then the base of the numbers are 5, क्योंकि बेस में हमारा क्या है 5, और जो पावर या एक्सपोनेंट हम लोग कैसे, पावर को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स हमारा क्या है इसका 3 है, ठीक। बेस आर 5 एंड पावर और एक्सपोनेंट इज 3, ठीक है। ऐसा अगर नेगेटिव में लिखा हुआ है -7 टू होल पावर 4, -7 टू होल पावर 4, तो बेस हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा और पावर या एक्सपोनेंट हम लोग क्या कह सकते हैं, 4 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग इसके आगे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहना फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट नंबर, तो 4 के होल पावर ऑफ 3/2, 4 के होल पावर कितना है 3/2, कैसे पुट करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले हम 4 को क्या लिखेंगे, 4 के होल पावर 3/2, 4 को हम लिखेंगे 2/2 तो होल पावर 3/2, ठीक है। अब इस 2 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ करेंगे, 2 into 3/2, उसे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का क्यूब लिखेंगे और 2 का क्यूब क्यूब इनटू 2 इनटू 2 क्या आ जाएगा आंसर 8, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी में नेक्स्ट दिया हुआ है पावर, अगला क्वेश्चन ये पहला था, हम लोग इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हैं। होल पावर 2/3, देखिए तो ये क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, 7 का क्यूब टू होल पावर 2/3, 7 × 7 = 14, 3 × 3 = 43, सो पावर का पावर में क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई 3 × 2/3, इसे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे